straight through him, too quick. शहीन है, आबाद है, ये सारे अच्छे बॉलर्स हैं, आप इनको फ्रीडम दें भाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी शोएब मलिक और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के बारे में है। मोहम्मद आमिर के बारे में और शोएब मलिक के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शोएब अख्तर ने कहा है कि शोएब मलिक पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनकी एफिशिएंसी बाकी तमाम जितने भी मैचेस ये इन्होंने खेले हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा नसीम शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, अगर इन्हें वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए तो पाकिस्तान के मैक्सिमम चांसेज हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। नसीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर और फास्ट बॉलर जैसे मोहम्मद आमिर और बेहतरीन खिलाड़ी शोएब मलिक की अशद ज़रूरत है, अगर ये वर्ल्ड कप में आ जाएँ तो इनकी वजह से पाकिस्तान के 95% चांस हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। अगर इस तरह की वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शोएब मलिक और नसीम शाह, इसके अलावा देकर और भी काफ़ी सारे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि शोएब मलिक और नसीम शाह पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। नसीम शाह तो अभी भी हाल में ही मैच खेल रहे हैं, शोएब मलिक पाकिस्तान के बेहतरीन साबिक फास्ट बॉलर थे। जरा से ये मालूम हुआ है कि शोएब मलिक और इसके अलावा मोहम्मद आमिर को 2022 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया। पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इन दोनों को क्रिकेट में शामिल किया जाए ताकि पाकिस्तान मैच जीत जाए।